रहीम, मेरा नाम नूर है और मैं अनेन से आया हूँ। मेरा फील्ड ये कि बाज़ों को ट्रेनिंग देना। जी मैं तो जब आया इमारात में तो 18 साल हो गया, किसी शेख सुल्तान बिन मोहम्मद बिन खालिद अल नहयान के साथ हो गया। तो मैं बहुत छोटा था जब आया, तो मैंने ये काम सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना मेरे को सब कुछ मालूम है। हत्ता ड्रोन भी मालूम है, जो बड़ा तैयारा है वो भी मालूम है, और बाज़ को कैसे तालीम करना, बास को दवाई देना, बास का जो है ना वो महत चेक करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अभी मेरे को मालूम है। और इसको सुबह जब शेख लोग लेके जाता है तो पहले मैं इसको चेकअप करता हूँ, उसके बाद जो है ना जो वो ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं हबारे के पीछे, तो मैं उसके बोलता हूँ शेख को कौन कौन सा बास। वो कभी बोलते शाहीन, कभी बोलते ब्यूर, ये दो किस्म के नस्ल के होते हैं। तो बाकी उसका मर्ज़ी है कि कौन सा बास वो लेके जाते हैं। हमारे पास तो मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ होते हैं। हमारे पास ब्यूर भी बहुत ज़्यादा है, जीर शाहीन भी ज़्यादा है, शाहीन वहश भी है, और ये जो है ना जरनास हवा उसको बोलते हैं, शाहीन वहश, जरनास हवा जो ये उसको बोलते हैं। बाकी ये लोग समझते हैं ना, सबसे पहले जब हम उठते हैं तो इसको हम पहले इसका वज़न चेक करता है कि इसका वज़न आज कितना है, ना हाई तो नहीं है। इसको अपने एक हिसाब से वज़न पर रखता है और उस लिमिट से फिर हम इस पर शिकार करते हैं। और इसको खाना जो देता है हम इसको क्वाइल देता है, क्वाइल यानी फर्री उसको बोलते हैं, उर्दू में फर्री उसको बोलते हैं। उम्र का तो इंसान का भरोसा नहीं है ना कि कल ज़िंदा होगा नहीं होगा। बास का कभी कभी उम्र जो है ना 9 साल तक भी पहुंच सकता है, 8 साल तक भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। लेकिन बास वो अच्छा होता है जो नया लेके आता है, उसको हम लोग फ़र्क बोलते हैं। उसको पहले तालीम देता है, फिर इधर पाकिस्तान जब हम आते हैं उसको हबारा पकड़वाने के लिए शिकार पर लेके आता है इधर। या और जरनास उसको बोलते हैं जो 2-3 साल उसका गुजर जाए, उसको मालूम होता है कि भाई इधर जो है ना ये हबारा है, तलोर है, तो उसको मालूम होता है। फरूख जो उसको बोलते हैं, जो नया बच्चा यानी अंडे से निकल के बड़ा होता है, 1 साल का होता है, उसको हम फ़र्क बोलते हैं। तो उस पे जो है ना हम ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, हबारे का तालीम देते हैं। सबसे पहले उसको हम कबूतर पर ट्रेनिंग देता है, उसके बाद सलाल हम उसको तालीम देते हैं, बत भी इस्तेमाल करता है, बत नहीं है उसको भी जो है ना हम लोग तालीम देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हबारा लेके आके उस पर जो है ना तालीम देता है, फिर जो रेडी होता है तो फिर पाकिस्तान जब आके इस पर ये शिकार हम लोग खेलता है। बीमारियाँ, इसको कुक्सीडिया भी हो सकता है, दूध जो है ना ये कीड़ा जो होता है ये भी इसमें हो सकता है, दूधरिया में इसमें भी आ सकता है। दूधरिया उसको बोलते हैं जो अंदर कीड़े होते हैं, तो उसको फिर हम जो है ना कैमरे के ज़रिए से निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं कि इसका ये मंजार उसको बोलते हैं, और नातूर भी उसको बोलते हैं, तो उसको जो है ना हम लोग फिर कैमरे के ज़रिए से निकाल सकते हैं। दूधरिया बहुत ख़तरनाक मरज़ है, कभी कभी बाज़ों के अंदर हो सकता है। जब ये मुगीज से निकलता है, हम लोग जब शिकार खलास होते हैं इसको वापस छोड़ते हैं, और पिंजरा इसका बड़ा पिंजरा होता है उसमें छोड़ते, ये अपना पर गिराते हैं, यानी पूरा पर ये गिरा के नया पर ये निकालते हैं, तो फिर ये शिकार के लिए रेडी करता है हम लोग। ये एक जो होता है ना ब्यूर साइबेरिया का, वो तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको लाजिम जो है ना सुबह सुबह जब ठंडी होता है उसी टाइम अगर ट्रेनिंग देगा तो बेहतर होगा, या मगरिब के करीब अगर ट्रेनिंग देगा तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाजिम इसको एसी में रखना है, अगर एसी में नहीं रखेगा तो इसको इल्तिहाब हो जाता है, इसका जो अंदर जो मसरान होते हैं वो भी ताबान हो जाते हैं बिल्कुल, फिर वो जो है ना फ्लाइंग नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको ठंडी में रखना ज़रूरी है। गर्मी में ये जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसका मशहूर तो ये हबारे के लिए ये ज़्यादा मशहूर है,
लेकिन बाज़ लोग जो है ना कारवान के लिए जो है ना वो भी इस्तेमाल करता है और अरनब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है ना हबारे का शिकार बहुत ज़्यादा होता है, उसको तलोर बोलते हैं, तलोर का ज़्यादा शिकार करते हैं ये लोग। शुरू में तो हम इसको थोड़ा बटेर के हिसाब से जो है ना ट्रेनिंग देता है, खेत में बाज को डाल के, फिर कबूतर जो है ना खेत में डाल के उसको थोड़ा तालीम देता है, थोड़ा इसका डर निकालना चाहिए, थोड़ा इसका डर निकलता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन जो है ना वो पैराशूट के ज़रिए हम लोग कबूतर को बांध के थोड़ा तकरीबन 50 मीटर ऐसा जो है ना 40 मीटर थोड़ा थोड़ा इसको दिखाता है, राविश करता है यानी दिखाता है उसको, फिर जब ये जाता है पकड़ता है फिर हम पैराशूट ड्रोन से खोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 पे आता है, फिर 200 पे आता है, फिर 300 पे, बाज ऐसे बाज होते हैं कि हम 400 तक ऊपर लेके जाता है। तो इसका ये ट्रेनिंग है, उसका जो है ना ये ट्रेनिंग यानी वर्जिश होता है, इसका पर जो है ना खुल जाता है या तेज़ होता है। फिर हम तो रोज़ाना जब देता है तो क्वाइल देता है, बटेर देता है, और कभी कभी जो है ना कबूतर भी देता है। कबूतर जो है ना उसमें ये खून जो है ना ये लोग चूसता है, ये इसके लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन रोज़ाना कबूतर भी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके हिसाब से फिर ये कुकसीड या ये दूध ये कभी कभी दाखिल हो जाता है, लेकिन क्वाइल जो है ना क्वाइल सबसे बेहतरीन इसका फूड है। ये क्या चीज़ है ज़रा हमें बताएं? ये पासपोर्ट है। सही, इसमें इसका जो है ना रिंग नंबर होता है, ये इसका रिंग नंबर है जो इसके पाँव में रिंग होता है, और एक चिप्स होता है रिंग नंबर, और एक चिप्स इसको बोलते हैं जो सीने में हम लोग लगाते हैं वो भी होते हैं। इसमें बास का नाम भी होता है, मेल है फीमेल है यही है, और ये जब जाते हैं तो इसका जो है ना पूरा ऐसा ठापा लग जाता है इसको। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरत है कि इसमें जो एक मरज़ होता है, बल्कि एक नहीं दो तीन मरज़ होते हैं, इसको एक को मरज़ बोलते हैं कुकसीडिया। कुकसीडिया इसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये खाना छोड़ देता है, फिर जो है ना ये धीरे धीरे इसका वज़न भी डाउन हो जाता है और खाना नहीं खाता है, तो इसकी वजह से इसका जो है ना जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो के तो फिर ये जो है ना मौत के करीब हो जाता है। तो लाजिम इसका चेकअप ज़रूरी है, जैसे इंसान के जिस्म में बुखार होता है पता नहीं चलता है, लाजिम डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसका बुखार चेक करेगा, तो इसलिए ये जो है ना इसका चेकअप ज़रूरी है।